इसमें जितने जिम्मेवारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेवारी लोगों की भी है। कहीं अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो सरकार को बताएं, अफसरों को बताएं, लोगों को जागरूक करें। किसी भी अभियान में, किसी शिक्षा का अभियान है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। बस मेरा इतना ही कहना है कि पब्लिक लोग इसके महत्व को समझें, शिक्षा का क्या महत्व है मानव जीवन में। और ये तो सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, ये एक्ट तो 14 साल तक की उम्र के लिए है। एलिमेंट्री एजुकेशन कम से कम फ्री दे दिया जाए इसकी बात करता है। उतना भी अगर आज की भारत में हम लोग नहीं दे सके तो ये अपने दुर्भाग्य की बात होगी। इसमें सबका पार्टिसिपेशन हो, सबका सहयोग हो और इसको एक आंदोलन, एक अभियान के रूप में चलाएं, तभी कुछ हो सकेगा। ज्यादातर केसेस में अगर देखिएगा तो वैसे बच्चे इसके शिकार होते हैं जो कि आउट ऑफ स्कूल है, शिक्षा से कटे हुए हैं या स्कूल से बाहर है। तो इसके लिए तो सारे बच्चों को स्कूल में तो रहना पड़ेगा, सरकार ने किया सारे बच्चे स्कूल में तो है, लेकिन उनको ठहराव होना जरूरी है। अगर बच्चे नहीं हैं तो ये कहीं ना कहीं लोग या तो वो चाइल्ड मैरिज में है या कहीं लेबर में है या कहीं ट्रैफिकिंग के शिकार हैं। तो इसके लिए एक तो जो शिक्षक टीचर्स का प्रॉपर एक तो व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर बाद में जो बच्चे अगर कहीं बाहर हैं या नहीं आ रहे तो वहाँ के सोसाइटी समाज से भी एक बात होनी चाहिए कि बच्चे बाहर हैं तो उसको हम स्कूल से जोड़ें। और इसके साथ साथ समाज का भी दायित्व, हम लोग चूँकि हर जगह कहते हैं कि हम आज के समय में, पहले होता था आपकी ड्यूटी पहला प्राथमिकता होती थी, राइट बाद में आती थी, आज के समय में राइट पहले होता है, ड्यूटी खत्म हो जाती है। लोग अपना राइट लेने के बाद ड्यूटी करना खत्म हो जाता है, तो आज सबको अपना ड्यूटी समझे, राइट खुद ब खुद मिलेगा। लेकिन और भी काम करने की आवश्यकता है। अगर हम देखें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय तो एक बेहतर उसका उदाहरण है, जो कि ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चे हैं, जो ड्रॉपआउट बच्चियां हैं, उन बच्चियों के लिए एक बेहतर सरकार ने करके दिखाया, लेकिन ये और भी करने की आवश्यकता है।